नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ऋचा वाशने संभव नेचर केयर हॉस्पिटल से। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो हम आभूषण पहनते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। अक्सर हम लोगों का ये मानना है या हम बहुत लोगों से पूछते हैं कि आभूषण क्यों पहनने चाहिए, तो वो लोग ये सब लोग का मानना यही है कि हम लोग सुंदर लगने के लिए आभूषण पहनते हैं। लेकिन एक्यूप्रेशर का मानना है कि आभूषणों का जो पहनना है या जो हम आभूषण धारण करते हैं वो सारे के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर हैं और उसके जरूर हमें कुछ न कुछ बेनिफिट्स अवश्य मिलते हैं। हम अपने पुराने देवी देवताओं की फोटो में भी देखते हैं या अपने हमने दादी नाना की फोटो में भी देखा कि सबने आभूषण पहने हुए हैं। पुराने राजा महाराजा वो भी आभूषण पहना करते थे। तो एक्चुअली रिसर्चेस बता रही हैं कि जहां जहां हम आभूषण पहना करते थे वो सारे के सारे एक्यूप्रेशर के ही पॉइंट्स थे। क्योंकि हमें किसी ने बताया नहीं कि आभूषण पहनने से ये लाभ होता है, तो हम सब लोगों ने मान लिया कि हम सुंदर लगने के लिए आभूषण पहनते हैं। तो चलिए साथियों, आज हम चर्चा करते हैं कि जो भी थोड़े बहुत हम लोग आभूषण आजकल पहनते हैं तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे कान का, कान छेदन। कर्ण छेदन संस्कार भी हम लोगों के यहाँ होता है और मेल और फीमेल यानी कि लड़का और लड़की दोनों ही कान छिदवाते हैं, दोनों ही कानों में कुछ न कुछ बालियां पहनते हैं। तो जब हम कानों में बालियां पहनते हैं तो उसका यह बेनिफिट है कि हमें इनसोम्नी यानी कि अनिंद्रा नहीं होने पाती है। हाथों में चूड़ी, महिलाएं हाथों में चूड़ियां पहनती हैं और पुरुष लोग कड़ा पहनते हैं। एक्यूप्रेशर के हिसाब से जिस हिस्से में हम चूड़ी या कड़ा पहनते हैं वहाँ पर गोनेट से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, यानी कि जब महिलाएं उस हिस्से पे चूड़ियाँ पहनेंगी, चूड़ियाँ भी कैसी टाइट, यानी कि लूज चूड़ियाँ नहीं, आज के फैशन के हिसाब से नहीं कि हम पार्टी में गए हमने खूब सारी चूड़ियाँ पहन ली वो इतनी लूज थी और घर पे आके हमने उतार दिया, नहीं, टाइट टाइट चूड़ियाँ जो कि जिससे कि प्रेशर पड़ सके उन प्रेशर पॉइंट्स पर। ऐसे ही पुरुष लोग जब भारी भरकम कड़ा पहनते थे तो उससे क्या होता था कि जो फीमेल की ओवरीज के पॉइंट्स हैं, यूट्रस के पॉइंट्स हैं, तो उन पर प्रेशर पड़ता था और वो ऑर्गन हेल्दी रहते थे। ऐसे ही मेल जब कड़ा पहनते थे तो यहाँ पर उनके टेस्टिकल्स के पॉइंट्स हैं तो वो ऑर्गन, उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हेल्दी रहता था। ऑटोमेटिकली आभूषण के हिसाब से वहाँ पर प्रेशर पड़ता रहता था और लोग स्वस्थ रहते थे, उनसे उस रिलेटेड डिसऑर्डर्स नहीं होने पाते थे। साथियों, आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में किसी और नई बात के साथ कि और आभूषणों से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अब के लिए अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।